Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. अब तक मैं बोल रहा था रूपाला तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, पर आज के दिन इस आनंद की धरती पर, भातीजी महाराज की धरती पर अगर बात दिल में आई तो बोलने पर मजबूर हो गया। 250 करोड़ का मतलब समझते हो कितनी गायें काटी होगी। श्री राजपूत करणी सेना का कोई भी सिपाही, कोई भी पदाधिकारी अगर भाजपा को अभी भी सहयोग कर रहा है, आज ही उसकी मान्यता रद्द की जाती है, उसकी सदस्यता हटा दी जाती है। लाखों की संख्या में महिलाएं सड़क पे हैं, हमारी शत्राणियां मात्र, हमारी माताएं बहनें सड़क पे हैं, और केवल जय भवानी का नारा लगा रही है। और अगर भाजपा को लगता है जैसे बंगाल में जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी चिढ़ती है, वैसे तुम अगर जय भवानी के नारे से चिढ़ रहे हो तो एक बार जोर से लगाना और कानों तक पहुंचे दिल्ली तक, जय भवानी जय भवानी। शर्म करो। मैं नहीं बोलना चाह रहा था अब तक मैं बोल रहा था रूपाला तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, पर आज के दिन इस आनंद की धरती पर, भातीजी महाराज की धरती पर अगर बात दिल में आई तो बोलने पर मजबूर हो गया। 250 करोड़ का मतलब समझते हो कितनी गायें काटी होगी, कितनी गौ माता की हत्या की होगी, कितनी गौ माता का चीरहरण हुआ होगा। आजकल देसी गाय 25-30 हजार से नीचे नहीं आती, अगर 4 गाय 1 लाख की है तो अब अंदाज लगाओ 250 करोड़ सीधा 1 लाख गाय काटी है तब इनको 250 करोड़ चंदा मिला है, उसने कितना पैसा कमाया होगा जिसने 1 लाख गाय काट के केवल इनको चंदा दिया। इनको शर्म आनी चाहिए, ये कोई किस धर्म की बात करते हैं और किस महिला सम्मान की बात करते हैं। मैं नहीं बोलना चाहता कि सिलेंडर के भाव क्या थे, मैं नहीं बोलना चाहता कि डीजल पेट्रोल क्या था जब पुरानी सरकारें थी, पर हमने राष्ट्रवाद को चुना। डीजल अगर 1000 लीटर भी होता तो हम दे देते, अगर ये आपका सिलेंडर 5000 का एक होता तो हम राष्ट्र के नाम कर देते, पर बहन बेटी की इज्जत पे बात आएगी तो सिलेंडर फोड़ देंगे तुम्हारा। तुम्हारे जो डीजल पेट्रोल के नाटक है वो हमारे सामने नहीं चलेंगे, और हमें मतलब भी नहीं है। मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, 18 साल से मां करणी की कृपा से स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी ने एक स्वयं सेवक बनाया था मुझे, और आज भी उसी स्वयं सेवक के तौर पे अभी करण सिंह जी साहब बोल रहे थे, अभी पीटी जनरल साहब बोल रहे थे। 40 साल इन्होंने समाज को दे दिया, 40 साल मेरी 42-45 साल उम्र है, फिर भी मैं बोल रहा हूं छाती ठोक के 20-25 साल जो भी समाज को दिया, निस्वार्थ दिया और समाज के लिए समर्पित कर दिया, 1 रुपए का कलंक नहीं है कभी भी। आज तक किसी भी काम के लिए कभी यह नहीं सोचा कि हमें 1 रुपया किसी से लेना है खाने। अगर दाग नहीं हो तभी समाज सेवा करी जा सकती है, नहीं दलाली तो खूब सारे लोग हमारी भाजपा में हमारे कर रहे हैं। आपके मंच से बोलना चाह रहा हूं बार बार, मुझे ज्यादा गुजराती समझ में कमी आई, पर जो आपका उत्साह है उससे कान लगा के सुन रहा था कौन क्या बोल रहा है, पर मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, श्री राजपूत करणी सेना का कोई भी सिपाही, कोई भी पदाधिकारी अगर भाजपा को अभी भी सहयोग कर रहा है, आज ही उसकी मान्यता रद्द की जाती है, उसकी सदस्यता हटा दी जाती है। अगर आपको लगता है कोई भी करणी सेना के नाम से अगर भाजपा में दलाली कर रहा है वो केवल दलाल है, राजपूत और करणी सेना से उसका कोई नाता नहीं है। लाखों की संख्या में महिलाएं सड़क पे हैं, हमारी शत्राणियां मात्र, हमारी माताएं बहनें सड़क पे हैं, और केवल जय भवानी का नारा लगा रही है, और
अगर भाजपा को लगता है जैसे बंगाल में जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी चिढ़ती है, वैसे तुम अगर जय भवानी के नारे से चिढ़ रहे हो तो एक बार जोर से लगाना और कानों तक पहुंचे दिल्ली तक, जय भवानी जय भवानी जय भवानी। मुझे पक्का विश्वास है कि मोदी जी खुद कान लगा के सुन रहे होंगे, और जब जब मैंने बात बोली है मेरे मन से निकली है, पक्का जिनके लिए बोली है वो सुनते ही रहते हैं, मुझे मालूम है। अमित शाह जी और मोदी जी सुन रहे होंगे, अभी मैं बोल रहा हूं, आपसे बैर नहीं है, आपसे दिक्कत नहीं है, पर आपकी जो आसपास के लोग जिन्होंने घृणित मानसिकता के द्वारा हमारी बहन बेटियों पे आक्षेप लगाया, गलत बोला, और आपने उनको दंडित करने के बजाय उनको पुरस्कृत किया, उनको सम्मान दिया, और सम्मान के तौर पे उनको बकायदा एमपी की टिकट दी, और लाखों लोग सड़कों पे थे, और आपने ये जो राजपूत समाज के महिलाओं के समर्पण को, त्याग को अनदेखा किया, इन युवाओं के त्याग को अनदेखा किया, और राजपूत समाज का इस देश में जो भी आज तक समर्पण रहा, योगदान रहा, आपने शून्य कर दिया।